अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आ गया आप सभी का फेवरेट सेगमेंट मास्टर की और सुवर्ण अक्षर। परंपरागत ज्योतिष में एक क्रांतिकारी बदलाव कह लीजिए या फिर ज्योतिष का जादू समझ लीजिए। राशि आपकी कोई भी हो, आपके जन्मांक में अवस्थाएं कुछ भी हो और आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, रेगुलरिटी के साथ इन दैनिक डोज को करना शुरू कीजिए। 24 घंटों में कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा कि रातों रात आपके पास गाड़ी बंगला आ जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। लुभावने प्रलोभनों से हमें कोई मतलब नहीं है। यह आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस की रिकरिंग स्कीम है। प्रतिदिन आपके जन्मांक के कम एक ग्रह को हम 0.1% जितने ही सही लेकिन मजबूती देने के प्रयास करते हैं। तो हर शाम को, हर दोपहर को यहाँ पे एक नया वीडियो मिलेगा आपको अगले दिन के लिए। जितना रेगुलरली आपने इसे करना शुरू कर दिया तो आपकी प्लेनेटरी पोजिशंस बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो कुंडली में जितने नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं वो जब बैलेंस होंगे तो उनके नकारात्मक फल में कटौती होगी। जितने प्लैनेट्स सकारात्मक पोजीशन में हैं, अच्छी अवस्था में हैं, वो जब बैलेंस होंगे तो उनके अच्छे प्रभावों में अभिवृद्धि होगी। और जो समकारक प्लैनेट्स हैं वो जब बैलेंस होंगे तो वो धीरे धीरे शुभ फलों की ओर अग्रसर होंगे। तो सभी जगह पे आपका तो फायदा ही है। नियमितता और धैर्य, दो चीजों की आवश्यकता है। अगर ज्योतिष का आपको कुछ भी ज्ञान ना हो तो आपको पता कैसे चले कि प्लेनेटरी पोजिशन सब बैलेंस होना शुरू हो चुकी है। कुछ बदलाव आपके व्यक्तिगत जीवन में आएंगे। अगर नए नए जुड़े हो, कई दर्शक तो इसे महीनों से कर रहे हैं, तो उनके कमेंट्स के साथ पहले 5-10-15 दिन में कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि कई कई तो 6-8-10 महीने और कुछ दर्शक तो एक साल से कर रहे हैं, तो उनकी प्लेनेटरी पोजीशंस में काफी ठहराव आ चुका है, काफी स्ट्रेंथनिंग आ चुकी है। यह आपको मानसिक शांति का अनुभव करवाएगा। सबसे पहला जो चीज आपके जीवन में आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आप यहां से कूल रहेंगे, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आपके डिसीजंस भी सकारात्मक ही होंगे। आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन परिस्थितियों से मैं निपट लूंगा या निपट लूंगी। ये सबसे पहला बदलाव होगा जो आपको प्रतीति करवाएगा कि हाँ, अब प्लेनेटरी पोजीशंस बैलेंस होना शुरू हो चुकी है। कल की मास्टर की जिन्होंने भी की, कृपया कमेंट्स में आके बताइएगा जरूर कि आपको क्या पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। नया जुड़ने वाला हर दर्शक, यकीन मानिए, आपके कमेंट्स को पढ़ के ही इन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित होता है। 11 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन मास्टर की। आप चाहे तो ये मास्टर की प्रतिदिन कर सकते हैं। ये जन्मांक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह को बैलेंस करने का छोटा सा प्रयोग है। कुंडली में सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह, किसी किताब में ये मिलेगा नहीं, लोग बुध की शुक्र की बात करेंगे। कुंडली में सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह अगर कोई होता है तो वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा को बैलेंस करने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव प्रयोग। चलिए मान लीजिए कि आप नए नए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी हाई है। इमेजिनेशन पे मत जाइए, सजेशन पे मत जाइए, रियलाइजेशन पर तो जाइए। ये प्रयोग कल के दिन करके देखिए और जो कोई भी आपकी मानसिक अवस्था थी उसमें कितना बदलाव आया है। कल शाम को आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ताल ठोक के कह रहा हूं, करके देखिए, इसे कसौटी पे ला के देखिए। कब करनी है ये मास्टर की? सुबह स्नान के बाद, जब आप पूजा वगैरह जो भी करते हो उसे वो आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद करना है। 2 टीस्पून दूध चाहिए, कच्चा दूध, उबला हुआ दूध, कोई भी, गाय का दूध, भैंस का दूध। मुझे मालूम है नीचे कमेंट्स में क्या क्या पूछेंगे लोग।
दूध चाहिए। एक कटोरी में 2 चम्मच दूध ले लीजिए, ठीक। अपनी राइट नासिका को प्रेस कर दीजिए, सूर्य नाड़ी को प्रेस करना है। मुंह से एक गहरी सांस लेनी है और वो सारी सांस लेफ्ट नासिका से उस मिक्सचर में छोड़नी है। मान लीजिए ये मिक्सचर है, ये प्रक्रिया 7 बार करनी है। फिर उस जो दूध का मिक्सचर में आपने ये सांस छोड़ी चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली से उसे राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली पे लगा दीजिए, आगे पीछे नाखून पे, टीप पे, नीचे वाले इस पर्वत पे, सभी जगह पे 2-3 मिनट तक मालिश करते रहिए। कल थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम रखिएगा, सिंपल। उसके बाद ये लगा दिया, उसके बाद जो मिक्सचर बचा होगा, क्योंकि उंगली पे तो 2 टीस्पून दूध आएगा नहीं, तो उस दूध में अपनी उंगली को, जिस उंगली पे आपने लगाया है उसको लगा के यहां पे जहां पे आग्नेय चक्र है वहां पे वो उंगली रख दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, रोक के रखना है, कुंभक इसे कहते हैं, और बस जितनी देर, जितनी सेकंड्स आप रोक पाओ, रोकते जब आपने सांस रोकी हुई है तब एक विश मांग लीजिए कि अब से मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही बनी रहे। अब से मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही बनी रहे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, देव भी हमारे शारीरिक ब्रह्मांड के अंदर है, दानव भी हमारे शारीरिक ब्रह्मांड के अंदर है। थर्ड आई के द्वारा, चंद्र की इस क्रिया के द्वारा, कुंभक की साक्षी में हम उस देव तत्व को आह्वान कर रहे हैं और उनसे ये करवा रहे हैं। यहां पे रख देना है, एक गहरी सांस लेनी है, रोक के रखना है, मैं और भी रख सकता था, जितनी सेकंड आप रोक पाओ। यहां पे आंख बंद करके बस यहां पे देखते रहिए जो कुछ भी दिखे, और वो ही विश बोलनी है, अब से मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही बने रहे। बिल्कुल अजीब सा लगने वाला प्रयोग। अब सुवर्णाक्षर, एक छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर, चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को जलाइए मत और डस्टबिन में मत डालिए। कल का सुवर्ण अक्षर लाल पेन से हिंदी में जो आप लिखेंगे वो है दिल्ली वाला द। हिंदी में द लिखना है। मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी रहते हैं, दोनों को कीजिए। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 19 अक्टूबर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग एक, शुभता पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है, दोनों से एक करेगा तो चलेगा। प्रतिदिन स्नान के बाद घी रसोई में इजिली मिल जाता है, राइट हैंड की रिंग फिंगर से उस घी का तिलक यहां पर कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। प्राकृतिक चीज वस्तुओं से हम अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसका एक अनुभव तो करके देखिए। पॉजिटिविटी मिल रही है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।